नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। अयोध्या की इस संघर्ष यात्रा में आज मैं आपको कुछ चेहरे बताऊंगा जिन्होंने, अगर वो नहीं होते तो शायद आज भगवान श्री राम जी का मंदिर नहीं बन पाता। भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे समय में ये जो श्रृंखला है वो उन बलिदानियों का, उन्होंने जिन्होंने जिनके कारण हमें ये मंदिर मिला, उनको याद करने की ये यात्रा है जो इंडिया स्पीक्स डेली पर चल रही है। इसलिए आज कुछ चेहरे मैं आपको बताऊंगा जिनके बिना ये मंदिर आंदोलन संभव ही नहीं, जिनके निर्णय के बिना ये यहां तक हम पहुंच भी नहीं पाते। परंतु यह जो सरकार ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने उन सब वीरों को, उन सब बलिदानियों को, उन सब जिनकी भूमिका थी, मुख्य भूमिका थी, कोने कतरे की नहीं, उन सबको भुला दिया। क्योंकि यदि वो सब याद किए जाते, उन सबके परिवार को निमंत्रण दिया जाता, तो कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि की याद के वो चेहरे आज जो नए चेहरे सब बने हैं उस पर भारी पड़ सकते थे। इसलिए आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, उनके लिए साफ साफ ट्रस्ट के महासचिव ने कहा, हमने उन्हें निमंत्रण दिया परंतु कहा मत आई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आडवाणी और जोशी, 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया और संघ के मोहन भागवत ने, उसमें सबसे बड़े बलिदानी एक तरह से कहूं जिन्होंने अपनी सरकार बलिदान कर दी, कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। और उसमें खुद चंपत राय कहते हैं, अब तो कल्याण सिंह देह में नहीं है, कि मैंने उनके पुत्र को कहा कि उनको कहते रहो जाएंगे जाएंगे, पर उनको नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि वो चेहरे यदि सामने आ गए तो ये जो नए चेहरे बने हैं 14 के बाद, वो चेहरे अपने आप को उन लोगों से आंख नहीं मिला पाएंगे। और इसीलिए उन पुराने चेहरों को भुलाने की के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है, चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पर, वो भी उनको याद नहीं कर रहे। लेकिन धन्यवाद करता हूं प्रिंट मीडिया का, इसलिए मैंने प्रिंट मीडिया में जर्नलिज्म किया हमेशा, वो आज भी लिख रहे हैं, कुछ पत्रकार हैं जिनकी आत्मा जीवित है। और इसलिए उन पुराने चेहरों को याद करना जरूरी है। उसमें सबसे बड़ा चेहरा उस समय फैजाबाद के जो जिला जज थे, कृष्ण मोहन पांडे थे। कृष्ण मोहन पांडे ने पहली बार भगवान राम को ताला से बाहर निकाला, भगवान राम के मंदिर पर जो ताला जड़ा था उस ताले को खोलने का आदेश 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी ने दिया। और उनसे पूछी गई ये बात तो उन्होंने कहा हमें भगवत प्रेरणा मिली, फैसला उनको बंदर यानी हनुमान जी का रूप उनको मिला दिखा, और जिसने उनको प्रेरणा दी कि ये ताला खोल दिया जाए। आज उनके परिवार को, जिसने पहली बार ताला खोला, आदेश दिया जज, उसके परिवार को इस पूरे अभियान से दूर रखा गया। और उनको जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें जिन्होंने रामलला को मुक्त कराने का प्रथम आदेश दिया, उनके फैमिली को, उनके पुत्र हैं उमेश चंद पांडे एडवोकेट, उनकी फैमिली को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इससे बड़ा क्या आदेश होगा, जिस जज ने आदेश दिया ताला खोलने का, उसकी फैमिली को भी इग्नोर किया गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, राम सखा के नाम से त्रिलोकीनाथ पांडे, भगवान राम की पैरवी, भगवान राम, क्योंकि भगवान राम बाल रूप में हैं, तो उनके मित्र के नाते जो अदालत में मौजूद रहे, जिनके सिग्नेचर हो रहे त्रिलोकीनाथ पांडे जी, उनकी फैमिली को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। आज उनके पुत्र हमसे मिले जुड़ेंगे, उनकी फैमिली को भी राम के सखा कहा, बीएचपी से जुड़े हुए त्रिलोकीनाथ पांडे जी ने अपना पूरा जीवन संघ को दे दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, शरीर में नहीं है, उनकी फैमिली को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया।
यही नहीं, राम जो आपको रामचंद्र दास परमहंस जी हैं जिनके कारण ये मूवमेंट चला, जिस समय बीएचपी के सबसे लाडले ये होते थे, और ये जो आज फैसला हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें जो प्रथम जो मेन पैरोकार थे वो महंत रामचंद्र दास जी थे। महंत रामचंद्र दास जी ने इस आंदोलन में जो शिला दी थी, उस शिला के कारण वाजपेयी जी की सरकार के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। कर्फ्यू लगाना पड़ा था, ट्रेन बंद करनी पड़ी थी, और उन्होंने कहा था कि ये शिला मैं जो ध्वंस हुआ था 92 में और कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुआ, उसके बाद जो आगे चीजें बढ़ी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए की सरकार आई, तो महंत रामचंद्र दास परमहंस ने यज्ञ और शिला दान का ऐलान किया, और उन्होंने आश्रम दिगंबर अखाड़े में मार्च 2002 में अनुष्ठान किया, 6 फुट × 2 फुट की रामशिला का पूजन किया, और परमहंस जी ने ऐलान किया कि ये शिला हम देंगे जाकर, और वाजपेयी जी के पेशानी पर बल आ गई, लेकिन उनके कारण वो शिला जो है अयोध्या सेल के पीएमओ के अयोध्या सेल के विशेष कार्यकारी शत्रुघ्न सिंह को ये शिला उनको देनी पड़ी। आज उस शिला को भी इग्नोर कर दिया गया, वो शिला यज्ञ से पूजन से जो निकला शिला, तो उस शिला को पहले दशरथ महल में रखवाया गया, फिर कोषागार में जमा करा दिया, और फिर ये जो शिला कोषागार में ही रही, और इस बारे में जिला प्रशासन का कहना है केंद्र आदेश देगा तब न शिला पहुंचाएंगे, वो शिला जिनको जिनके लिए सरकार के हाथ पांव फूल गए थे उस शिला को भी बाहर साइड करके हटा दिया गया कि इसकी आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे कि फिर सबको निमंत्रण दें क्या, सबको पूछे क्या, सब शिला लगाएं क्या? बिल्कुल नहीं, पर निमंत्रण किनको भेजा गया वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला, वह जो प्रथम दिन से अयोध्या का राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, अंसारी फैमिली, उनके पुत्र को जाकर संघ के लोगों ने, वो फोटोग्राफ दिखाओ, उनके पुत्र को जो मेन बाबरी के पैरोकार थे, और आरोप तो यहां तक लगते हैं कि उनको पैसे देकर यहीं से पैदा किया गया था, वो अंसारी की फैमिली को प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के लिए जाकर निमंत्रण दिया गया है, जो पूरी जिंदगी राम के विरोधी रहे, और कभी भी यज्ञ में विरोधी जो होता है उसको कभी यज्ञ में नहीं बुलाया जाता, जिसने यज्ञ ध्वंस करने का प्रयत्न किया उसको नहीं बुलाते, लेकिन इसने यज्ञ ध्वंस करने का प्रयत्न किया उसको बुलाया जा रहा है, जो यज्ञ में सहभागी थे, फैसले दिए, उनको इग्नोर किया जा रहा है। यही नहीं, आप रणवीर और आलिया फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, परंतु रणवीर अपने मुंह से कह चुके, हो सकता है आप छोड़ दिया हो, इनके पापा कह चुके आई लव बीफ ईटिंग, रणवीर ने बीफ को हमेशा प्रमोट किया है, संघ के बड़े नेता सुनील अंबेडकर भेजे गए उनके घर पर, जाइए निमंत्रण दीजिए। तो यह जो दोहरा आचरण है, ये मीडिया मेनस्ट्रीम मीडिया छुपा रही है, सोशल मीडिया छुपा रही है, लेकिन प्रिंट मीडिया आज भी लिख रही है, और इसीलिए मैं प्रिंट मीडिया का पत्रकार हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। कार सेवक इग्नोर किए गए हमेशा, आपको ध्यान होगा कि कितने कार सेवक 90 में मारे गए, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की यात्राएं बने हैं, वो 59 कार सेवक जो जिंदा जलाए गए उनके कारण बने, उनकी वो सहानुभूति में हिंदुओं ने वोट किया। आज उस कार सेवकों को कि फैमिली को साफ छोड़ दिया गया, 150-200 जो लोग टोटल मरे होंगे, जो बलिदान हुए हैं, उनको निमंत्रण ही दे देते, उनके साथ फोटो ही खिंचा लेते। ऐसे कार सेवक स्टोरी आपको बता रहा हूं, जो बाबरी तोड़ते वक्त को दिखाओ, बाबरी का वो विवादित ढांचा तोड़ते वक्त वो अपंग हो गया, उसको आज तक संघ ने बीएचपी ने नहीं पूछा, जो राम मंदिर के गुण गाती हुई सत्ता में आई वो इन कार सेवकों को भूल गई, और कार मस्जिद तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े थे, एक धक्का दो बाबरी तोड़ दो, और उसके बाद से जो है होश आया तो अस्पताल में थे, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, इनको नहीं पूछा। हो सकता है कि नहीं पूछा हो गलती से, नहीं गलती से नहीं, इस पर
ट्रस्ट के महासचिव का बयान आ चुका है चंपत राय जी का कि जो शहीद हुए वो उनकी अंतः प्रेरणा थी ना, हम क्या करें। लोगों की लाशों पे सत्ता बनती है ये देखा हमने, लोग भूल जाते हैं ये देख रहे हैं। जो कार सेवक शहीद हुए थे उनके सम्मान के लिए याद के लिए कोई योजना है, उनको याद करने का कोई योजना है, ये पूछा गया चंपत राय जी से और ये अमर उजाला में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं। वो कार सेवक जो जमीन पे गोली लिटा कर मारे गए और गोली चलाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह को जरा वो फोटो भी निकाल दो, इसके बाद पद्म विभूषण दिया गया और गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का मेन कार्यकर्ता कर्ता धर्ता बनाया गया। मैं आपको एक पैरलर बता रहा हूं कि पांडे जी की फैमिली हो, राम सखा की फैमिली हो, कार सेवक हो, परमहंसी हो, ये जिनके योगदान थे उनको फेंक दिया गया साइड में, और वो जिनके योगदान नहीं थे रणवीर आलिया अंसारी इन सबको पूजा जा रहा है। तो कार सेवकों के लिए कहा मुलायम सिंह नृपेंद्र मिश्रा ये पूरा दिख रहा है क्योंकि 14 के बाद जो पैदा हुए चेहरे हैं उनको डर लग रहा है। ये मुलायम सिंह को दिया था जिन्होंने गोली चलवाई थी, नृपेंद्र मिश्रा जी का भी दिखा दो, उनको डर लग रहा है कि ये पुराने चेहरे आ गए तो हम जो 14 के बाद की पीढ़ी को धोखा देने में कामयाब रहे कि हमने ही सब किया, उन चेहरों को कोई याद न कर ले। टेलीविजन के चेहरे पर कैमरे पर वो आ गए तो उनको उनके चेहरे से कई पुरानी स्मृतियां न जागृत हो जाए, इसलिए ये स्मृतियां 14 के बाद की ही रहनी चाहिए। और इसलिए वो कह रहे हैं कार सेवक शहीद हुए थे उनके लिए सम्मान की योजना कुछ नहीं, जो शहीद हुए उनकी अंतः प्रेरणा दी, अपने अंतः प्रेरणा से मरे, हम कुछ नहीं करेंगे। उनके चले जाने के बाद उनके सम्मान की योजना समाज बनाता है हमने, मुलायम सिंह को सम्मान ये देंगे, नृपेंद्र मिश्रा को सम्मान ये देंगे, लेकिन कार सेवक जो मरे उसकी योजना समाज बनाए, वो इंटरव्यू दिखाओ समाज बनाता है, सम्मान की योजना समाज बनाता है, मुलायम को हम देंगे सम्मान, अंसारी को हम देंगे सम्मान, रणबीर आलिया को हम देंगे सम्मान, लेकिन जो मरे कार सेवक जिनके लाशों पर बैठकर यहां तक की यात्रा की उसके लिए समाज सोचे, हम नहीं सोचेंगे। ये चंपत राय के इंटरव्यू है। तो उनकी सम्मान की योजना समाज बनाता है, भारत का देश बलिदानियों की परंपरा का देश है, किसी के सम्मान में कुछ किया गया नहीं किया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से बंगाल में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा गया क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा गया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जलेंगे कोई सत्ता पाएगा। उन कार सेव को भी भूल गए और स्पष्ट अहंकार से कह रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सैनिक बलिदान होता है, सैनिक बलिदान होता है, सैनिक बलिदान होता है, पुलवामा में सत्ता किसी और को मिलती है, ये परंपरा 10-20 साल बाद सोचा जाता है कि कुछ कर दिया जाए, अहंकार देखिए, उनकी स्मृति में एक स्तंभ बना दिया जाए, जिनके नाम याद रहते हैं लिख दिए जाते हैं, किसके सम्मान में क्या किया गया जोड़ने में गलती हो जाती है, कोई जरूरत नहीं। ये ट्रस्ट के महासचिव कह रहे हैं। तो यह जो साफ दिख रहा है जिसने कुछ नहीं किया वो मंच पर है, जिसने सब कुछ किया आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, यह जो मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में सच को झूठ बनाया गया है उसी झूठ के विरुद्ध इंडिया स्पीक्स डेली खड़ा हुआ है। और आपको उन सभी अनजान चेहरों से परिचित हम कराएंगे, उन लड़ाइयों से परिचित कराएंगे, इसलिए मैंने 1192 से शुरू की है ये कथा, आपको बताया जाता है 1527 से, ताकि आप अपने समाज को ना भूलें और भविष्य में यदि आप ऊंचाई पर पहुंचे तो अपने साथ खड़े रहने वालों को अपने साथ खड़ा रखें, भूल ना जाए। तो आज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ऐसे ही एक फैमिली से आपको मिलवाऊंगा अभी प्रोमो के बाद, वीडियो को लाइक कीजिए, सच मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन जरूर दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन भरिए, और जो लोग भी इस श्रृंखला को प्रायोजित कर रहे हैं उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य के साथ बड़े मुट्ठी भर लोग खड़े होते हैं। आपने देखा अभी एक उदाहरण चल रहा है कि एनिमल जैसी फिल्म, पठान आदि जैसी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है और ट्वेल्थ फेल जो एक इंस्पिरेशन वाली फिल्म है उसको ठीक से दर्शक नहीं मिलते। तो सत्य के साथ हमेशा ही मुट्ठी भर लोग ही रहे हैं, भीड़ के साथ पूरा भीड़ रहता है। तो इस संघर्ष यात्रा में जो सत्य के सारथी हैं उन सबका बहुत धन्यवाद, और उनके जो इस एपिसोड को
विधान काली भट्टाचार्य जी ने प्रायोजित किया है। विधान काली भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, और मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और मिलते हैं एक ऐसी फैमिली से जिसके कोर्ट केस में दर्ज है कि वो भगवान राम के मित्र हैं। तो रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडे आज शरीर में नहीं है, लखनऊ में उनका निधन हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट में रामलला के सखा को यानी भगवान श्री राम के पैरवीकार के रूप में वो बैठे होते थे सुप्रीम कोर्ट में, सारे डॉक्यूमेंट्स पे वही सिग्नेचर करते, क्योंकि भारत के धर्म की परंपरा है कि जो भगवान है उन्हीं के नाम से केस होगा, उन्हीं की प्रॉपर्टी होगी। तो उनका चूंकि वो तो भगवान है तो वो कैसे सिग्नेचर करेंगे, तो उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसे त्रिलोकीनाथ पांडे जी के पुत्र अमित पांडे जी मेरे साथ हैं। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है अमित जी, आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। पहले थोड़ा आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम भी है, फोटोग्राफ और नाम भी मिंटू दिखाओ। पहले आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, क्योंकि आज की का यूथ शायद ये बात जानता ही नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के बारे में इनकी जो लड़ाई है उनको बताया जाना जरूरी है। तो पहले आप अपने पिताजी के बारे में बताइए। हमारा जो परिवार, हमारा घर जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दया छपरा गाँव में। मेरे पिताजी का जन्म जो है 22 दिसंबर 1945 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है बगल वाले गांव में जो है, हमारे पिताजी के जो चाचा जी थे वो प्रार्थना अध्यापक थे, तो उनके यहाँ उनके पास ही हुई। बाद में जो है वो जिला केंद्र में जो है आगे पढ़ाई स्टार्ट की, और छात्र संघ के वो महामंत्री भी थे। उनके समय के जो जो उनके सहपाठी थे, अभी जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस, मतलब इनके जो अभी ये महामंत्री थे साथ छात्र संघ के, तो उसके जो मंत्री थे राम गोविंद चौधरी जी, जो अखिलेश जी की सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, गौरी भैया हो गए, ऐसे लोग इनके सब कलिक थे जिनके साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया अपने। बाद में चूंकि ये विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे और संघ की हमारे जो छोटे वाले बाबा थे वो संघ 1942 से ही संघ से जुड़े थे, वो बीच में वो भी प्रचारक निकले थे, इस कारण से इनका संघ से लगाव था। और 1964 में ये जो है स्वयंसेवक बन गए थे। संघ के स्वयंसेवक थे आपके पापा? हाँ, संघ के स्वयंसेवक थे। 1973 में छात्र संघ के महामंत्री थे और 1975 में जो है पूरा बलिया जिला में जो है जो मिशा के उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। आपातकाल में जो जेल गए लोग, हाँ 19 महीना वो जेल में थे, और उन्होंने एक अभियान चलाया कि बलिया में जितने उस समय के डिग्री कॉलेज थे उस पे जो है इंदिरा गांधी का जो है पुतला फूटना और काला झंडा दिखाना। उस समय जब पूरा नसबंदी, माइक नजदीक करके लोग कह रहे हैं थोड़ा बोलने के लिए, आवाज आपकी ना थोड़ा सा और क्लियर ही बोल्ड बोलिए थोड़ा सा। हेलो, तो अब आ रही आवाज? हाँ हाँ, बस हिलाइएगा मत, नहीं तो खड़खड़ हो जाएगी। तो वहाँ 1975 में वो 19 महीना जेल में थे। जेल से छूटने के बाद जो है हमारे परिवार की जो एक संयुक्त स्थिति थी, हमारे जो अपने दादाजी थे हमारे, उनका दो भट्टा चलता था, और छोटे वाले चाचा जी थे विकलांग थे, मतलब हमारे पिताजी दो भाई थे। तो दादाजी कहे कि भैया तुम ये नेतागिरी वाली जिंदगी छोड़ो और आओ बाल बच्चों को संभालो, तो कहे कि नहीं मुझे देश सेवा करना, ये उस धुन में थे। फिर हमारे छोटे वाले बाबा अपने एक मित्र थे उनके थ्रू इनको पकड़ के इनकी शादी करा दिया। तो जब शादी हो गई तो इनको इन लोगों को लगा जब शादी हो जाएगी तो घर परिवार में बंध जाएगा, फिर इन सब लफड़ों से दूर रहेगा,
लेकिन उसके बाद भी ये छोड़ के जो है संघ संघ का चस्का लग गया था उनको, फिर वो मतलब बाहर ही बाहर रहे। 1982 में जो है एक मीनाक्षीपुरम में, तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गांव में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। क्या था कि रातों रात पूरे गांव, वहां 250 साल पुराना मंदिर था उस गांव में, और रातों रात पूरा गांव जो है मुसलमान बन गया था। इसको देखते हुए उस समय के जो संघ के सरसंघचालक थे बाला साहब देवरस, उन्होंने ये तय किया कि भाई ऐसा कुछ अभियान चले जिससे जो है ये कन्वर्जन रुके। उसके निमित्त जो है जैसे हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, तो संघ ने वैसी ही एक और इस इन चीजों को रोकने के लिए एक योजना बनाई, संस्कृति रक्षा योजना, और उनको पूरे उत्तर प्रदेश का काम दिया गया उस योजना के लिए। तो उस काम में लगे रहे। फिर क्या था कि उस 1984 में अशोक सिंघल संघ से विश्व हिंदू परिषद में आए आए तो उन अशोक जी के पास सारी चीजें व्यापक थी। अशोक जी की एक थारू प्रोसेस था, क्योंकि अशोक जी भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे और हमारा घर बलिया भी वहीं पास का ही है, तो इन लोगों का पुराना संबंध था। तो फिर जब ये सारी राम जानकी यात्रा और शिला पूजन ये तमाम जब जो अभियान चलने लगे, तो पिताजी भी जो है फॉर्मली विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए। मान विशेषकर से अशोक जी से ज्यादा उनका जुड़ाव रहता था। तो इन सब चीजों से लगे रहे। 1992 में ढांचा गिरने के बाद से जो है ये तय हुआ कि भाई इन सब मुकदमों को देख रेख करने के लिए कोई एक स्थायी व्यक्ति हो जो इन सब चीजों की देख रेख करे। उस समय क्या था, हमारे पिताजी को नेपाल देश का संगठन मंत्री बना के भेजा जा रहा था 1992 में। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, चूंकि मैं पारिवारिक जिंदगी में आ गया हूँ, मेरे को इस बलिया के आसपास ही कहीं रखा जाए तो ये रहेगा कि हम अपने घर परिवार बच्चों को भी देख रेख करते रहेंगे। खेती बाड़ी हम लोग का है, चूंकि हमारे दादाजी के पास 1900 मतलब बता रहे हैं ना 1970 में दो भट्ठे थे, चलते थे हमारे घर में। हमारे छोटे वाले दादाजी अध्यापक थे इंटर कॉलेज के, सारी चीजें आर्थिक स्थिति सही थी। लेकिन अब क्या था कि जब सब अलग बिलग मामला हो गया तो ये लगा कि भाई अब तो परिवार को देखना ही चाहिए, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, हमारे दादाजी भी बूढ़े हो गए थे। पिताजी आचार्य गिरिराज किशोर जी एक विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता थे और कार्यकर्ताओं की बहुत चिंता करते थे। तो आचार्य जी अशोक जी ने तय किया कि भैया मुकदमे को लेके इनको लगाया जाए, जो वे व्यक्ति जो है एक एक मैं और एक चीज से ही सारी चीजों की चिंता करे, वकीलों की चिंता करे और क्या प्रोसेस है उसकी अपनी मॉनिटरिंग करे। उसमें लगे बेचारे, वो इस भाव से लगे कि मतलब उस क्योंकि 92 के बाद ही हमारे सारे भाई बहनों की शादी विवाह पढ़ाई लिखाई होनी थी। लेकिन कभी वो परिवार मतलब साल 2 साल पे ऐसे घर आते थे, ऐसे आए एक दिन रुके दूसरे दिन तीसरे दिन निकल जाते थे, कभी वो घर पे इतना टाइम नहीं दिए। ये करते करते क्या था कि एक जो मेन यहाँ पे 5 केस थे हिंदू पक्ष के, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष मिला के टोटल 5 केस थे। तो जो सूट नंबर 5 था, जो रामलला विराजमान की तरफ से केस 1989 में डाला गया था, उसमें ये था कि भाई भगवान अपने राग भोग और अपनी पूजा के लिए कोर्ट गए थे कि हमें जो है पूजा का हक मिले। तो उसके जो मेन दायर करने वाले लोग थे उसमें दो प्रमुख नाम थे, एक देवकीनंदन जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल जी थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, और एक उसके ताना बाना बुनने वाले लोगों में थे एक लाल नारायण सिन्हा जी जो पटना के गवर्नर रहे, कांग्रेस माइंडेड थे, और बूटा सिंह जी के निर्देश पे सारा ड्राफ्ट हुआ था। राजीव गांधी जी के कहने के बाद अशोक जी से राजीव गांधी जी ने मैसेज डलवाया था कि भाई इस आप लोग केस नहीं डालेंगे तो हिंदू पक्ष तो ऐसे ही मुकदमा हार रहा है। बताइए आज से जो है आज से 35 साल पहले इतने दूरदर्शी लोग थे कि इनको पता था कि यदि हम ये कोई क्योंकि 4 केस तो ये था कि प्रॉपर्टी का केस था, निर्मोही अखाड़ा कोर्ट गया था कि हमें इसमें पूजा का अधिकार चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी है, मैं 300 साल से वहां बैठ रहा हूँ। मुस्लिम पक्ष भी 1961 में इसीलिए गया था कि भाई हम जो है हम वहां नमाज पढ़ते हैं, हमारी मस्जिद है, इसलिए हमारी है।
और जो पार्टियां हैं वो पूजा के लिए, मतलब उसके लिए गई, प्रॉपर्टी के लिए गई कि हमको अधिकार मिले, लेकिन भगवान केवल अपने राग भोग और अपने अधिकार के लिए गए थे। तो ये क्या था कि 2002 में जब जो पहले नेक्स्ट फ्रेंड थे जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल, उनका शरीर शांत हो गया, उनके परिवार के लोगों ने इसमें रुचि नहीं लिया, उनके परिवार के लोगों को लगा कि इसमें क्या है, उनकी वाइफ, उनकी जो एक छोटी लड़की रहती है वो इंग्लैंड में है, भारत आना नहीं चाहती थी, उनके लड़के बैंकर थे, उनका इन सब चीजों में रुचि नहीं था। तो फिर एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ठाकुर प्रसाद वर्मा, इतिहास विभाग के थे, संघ के समर्पित थे, तो उनको लोगों ने बना दिया। लेकिन एक बहुत रोचक घटना घटी 2005-06 में, उनको रात में जिन दिखाई देने लगा, वो डरने लगे और इस केस से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, विश्व हिंदू परिषद की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी, जो अभी के प्रभावी लोग हैं उनका ये कहना था कि वकीलों को कम किया जाए, जो 1990 से पत्थर की तराशी की कार्य चल रही थी अयोध्या में, उसमें कारीगरों को हटाया गया, भोजन जो 2 टाइम बनता था उसको लोग सीमित करके 1 टाइम भोजन बनना लगा, मतलब सारी आर्थिक, मतलब उससे इन लोगों ने तय किया कि जो हमारे वकील हैं उनको कम किया जाए और सूट नंबर 5 में कोई दम नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। ये बीएचपी ने सोचा। ये बीएचपी ने 2006 में, अभी जो जो ऑन रिकॉर्ड लोग हैं जो बैठेंगे आप पूछेंगे, ये लोग खुद बताएंगे ये विषय इनके, ये भगवान के सामने इन्हीं लोगों ने कहा था कि इसमें दम नहीं है, इसको बंद किया जाए। अभी जो तो अभी सारे वकील भी हैं उससे जुड़े हुए वकील भी, जो चाहे मदन मोहन पांडे जी हैं, चाहे तमाम लोग हैं उससे जुड़े हुए लोग अभी भी हैं, उनसे पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे। फिर माननीय अशोक जी ने तय किया कि हमारा कोई मुकदमा बंद नहीं होगा, हमारे कोई वकील छोड़े नहीं जाएंगे इसके लिए, चाहे हमारा घर क्यों नहीं बेचना पड़े। और उन्होंने उस काम मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ अपने नाम से जो है राम सखा का पटिशन दायर करो, इस केस को तुम आगे से तुम देखोगे। पिताजी ने अपना पटिशन डाला, 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उनको नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त कर दिया। ये लगभग मार्च 2008 में उनको नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त किया था हाई कोर्ट ने, और तीस सितंबर 2010 को इसका जजमेंट आ गया, मतलब नेक्स्ट फ्रेंड बनने के लमसम 18 महीने के अंदर जजमेंट आ गया। तो भगवान अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया फिर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे की खुदाई के लिए जिस जज ने आज आदेश दिया था, जस्टिस सुधीर नारायण, जो अभी जीवित हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, उसकी भी बहुत रोचक घटना है। हमने आप लोगों से कहा कि भगवान खुद मुकदमा लड़ रहे थे, इसके मतलब कि हम उसकी कुछ तथ्य बता रहे हैं, वो जो तथ्य थी हमारे लोग अनुभव बताते थे वो बता रहे हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई हुआ तो उसमें भी भगवान अपना कार्य खुद करा रहे थे, वो जो जज थे, जो चाहे ताला खुलने का हो, वो तो भगवान स्वतः ही किसी न किसी रूप में किसी न किसी को खड़ा करते थे। लेकिन दुख ये बात है कि जो जिन लोगों ने इतना बड़ा प्रयास किया, इतना त्याग किया, समाज को उनके नाम को आगे लाना चाहिए, भविष्य में उनकी स्मृति कुछ पुण्य स्मृति बने जिससे आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें, और जो पवित्र राम लला का जो पवित्र स्थान है उसकी पवित्रता बनी रखना चाहिए, रखनी चाहिए, स्वच्छता बनी रखनी चाहिए। हम लोगों को बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आपके पापा राम सखा के रूप में सुप्रीम कोर्ट जाते थे, वो जाते थे क्या बताते थे, उनकी क्या गतिविधि होती थी राम सखा के रूप में? राम सखा के रूप में जो कानूनी चीजें होती है, जैसे राम सुप्रीम सखा कोर्ट तो में मान लीजिए दिखाओ कि दो मिंटू, हजार दिखाओ सुप्रीम, 1 मिनट मिंटू, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहने दो ऊपर। हाँ ये रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, इनके पापा का नाम है। हाँ बताइए। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पेपर पे है, वो तो चीजें जो लिखित में है वो लिखित में है, बाकी वो जो भगवान के सखा के रूप में लड़ते थे वो भी हमारे गांव में जाके किसी से पूछेंगे। हमारे घर में हम लोगों ने कभी पिताजी के साथ कोई त्योहार नहीं मनाया, कि कभी होली हो, दीपावली हो, ऐसा लगा हो कि बचपन में पिताजी आए हम लोग त्योहार मनाए हों। ये इसमें मैं आपको ये ऑर्डर पढ़ देता हूँ, रहने दो ने ऐसे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन अपील बाय एन ऑर्डर डेटेड 8 फरवरी 2010, जिस कोर्ट है जेल, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें जो लिखा गया है, फोर्थ पॉइंट, द अदर साइड हैज टू बी ऑब्जेक्शंस फॉर दिस अरेंजमेंट इन द व्यू इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू एग्जामिन द करेक्शंस टू अदरवाइज ऑफ द आगे इफ द मिस्टर त्रिलोकीनाथ पांडे इज इंडिकेटेड टू द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ त्रिलोकीनाथ पांडे शैल एक्ट एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अपीलेंट, मतलब भगवान के नेक्स्ट फ्रेंड यानी सखा, और ये ऑर्डर जो है त्रिलोकीनाथ पांडे वाज परमिटेड टू एक्ट एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेंटिफ्स। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको पता हो कि भगवान राम के सखा के रूप में जिनका नाम कोर्ट में दर्ज है, क्या आपकी फैमिली, आपकी माता जी, इन सबको बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है? अभी तक तो निमंत्रण नहीं आया है, निमंत्रण की कोई हम लोग को इतनी लालसा नहीं है, वो जब नहीं रहे इस दुनिया में, हम लोग की तो हार्दिक इच्छा है कि समाज के ही लोग करें, उनके नाम पे कुछ ऐसी पुण्य स्मृति बने जिससे आने वाली पीढ़ियां जाने कि ऐसे भी कोई व्यक्ति थे जो इन सारी चीजों से परे होकर ऐसा काम किए थे, न उनको कोई राजनीतिक माइलेज चाहिए था, न उनको कोई पैसा चाहिए था, न पद चाहिए था, तो हम लोगों को निमंत्रण की इतनी कोई लालसा है नहीं। और आवाज आपकी कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज थोड़ा सा। हाँ नहीं, बोलिए। हेलो, निमंत्रण की लालसा नहीं है कोई, वो तो अच्छी बात है, फैमिली आपकी लड़ाई लड़ती रही, पर सवाल है कि जो लोग विश्व हिंदू परिषद संघ जो ये अभी पूरा दिख कर रहे हैं, चंपत राय जी खुद बीएचपी से जुड़े रहे, सचिव थे उनका, उन लोगों को ये नाम याद तो रहना चाहिए, कुछ लोगों के जो मैंने नाम बताए उसमें, केन पांडे साहब जो जज हैं, उनके फैमिली का नाम तो याद रहना चाहिए जिन्हें ताला खुलवाया, राम सखा के रूप में आपकी फैमिली का नाम तो याद रहना चाहिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ये काम तो उन लोगों का है, हम समाज पे सीधे टाल दें तो समाज तो कभी नहीं चाह रहा कि गाय का मांस खाने वाला निमंत्रित उसको निमंत्रण दिया जाए, हम तो समाज के रूप में नहीं चाह रहे कि अंसारी जिसने शुरू से राम मंदिर का विरोध किया जिसकी फैमिली में, उसको निमंत्रण दिया जाए, ये समाज तो नहीं चाह रहा। तो समाज तो एक अमूर्त रूप हो जाता है, जो लोग इस व्यवस्था में, जो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, उनका काम है निमंत्रण वही भेज रहे हैं और वो इसकी घोषणा करते जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं निमंत्रण देने, तो ये काम उनका है। समाज तो वो भी कर रहे हैं कार सेवकों के लिए कि समाज करे, मुलायम सिंह के लिए तो वो कर रहे हैं पद्म विभूषण, और कार सेवक जो मरे उसके लिए कहा समाज करे, तो समाज तो बिल्कुल नहीं चाहता कि गाय मांस भक्षक वहां पहुंचे, तो समाज की तो वैल्यू ही नहीं है इस पूरे मामले में। ये समाज जो बहुत जागरूक है, ये समाज जो है ना सारी चीजें तय करता है, इसीलिए मैंने भी कहा कि जो कार्य हो, हम भी इसीलिए समाज के सामने आके बोल रहे हैं कि जो भी कार्य हो समाज सब कुछ देखता है, समाज जो है तत्क्षणिक चीजें भूल जाता है, लेकिन जो है जो मान अपमान है सब समाज को याद रखता है, इसीलिए भगवान का कार्य किए, हमें इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, भगवान की जगह की पवित्रता ये लोग बनाए रखें, और जो हमारे अशोक जी कहते थे कि जो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर रखा जाए, ये यदि ये लोग कर लेंगे तो हमारे अशोक जी के लिए भी बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दे पाएंगे, अन्यथा बाकी जो समाज और ये लोग कर रहे हैं जी, जिनका इतना बड़ा योगदान था मंदिर आंदोलन में, उनका पोजीशन भी 21वां 12वां ऐसे कुछ पोजीशन पे डाल दिया उनको। हाँ तो ये तो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी कुछ भी कर सकती है, जो जो मालिक होता है, जो जिसके हाथ में सब कुछ होता है, वो अपने अनुसार करता है, हो सकता है भविष्य में कोई दूसरा आएगा तो इन सब चीजों का स्मरण करेगा, इन लोगों को याद करेगा। आपको लेकिन आपको जानकारी है अशोक जी को किस पोजीशन पे डाला है, कहाँ डाला है, कुछ आइडिया है आपको? अब अशोक जी को ये का ये पोजीशन तय करने की इन लोगों की अभी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, अशोक जी की हैसियत तय करने की इसमें अडवाणी जी, अशोक जी जिस समय ये बाबरी टूटा उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष जी थे। संदीप जी दो चीजें है, हम राजनीतिक व्यक्ति और एक सन्यासी दोनों को डिफर करके देखेंगे, अडवाणी जी, जोशी जी, ये लोग राजनीतिक व्यक्ति रहे, कहीं ना कहीं एक लाभ के पद पे भी बैठे रहे,
हम उन पे उस आंदोलन के जो मेन जो जो जिन्होंने अपनी पूरी प्राणों की अपनी जीवन की आहुति दी उसे तुलना नहीं कर सकते हैं। हम उनसे तुलना करेंगे, अशोक जी तो बीटेक एमटेक थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जो आईआईटी इस समय है वहां के मेटलर्जी से गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत अच्छे संपन्न परिवार के थे। उन्होंने तो सारा त्याग कर दिया। उनसे हमारे पिताजी भी तो इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, 1972 में अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसा नहीं था, हमारे घर में दो भट्टे चलते थे, ऐसा नहीं था कि हम किसी फकीर ऐसे वैसे घर के थे कि आ गए पेट भरने के लिए संगठन में बैठ गए। ये लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये लोग जिनको घर में खाना नहीं मिलता है वही आके संगठन में काम करते हैं। तो इन नहीं, लोगों ने अपने अशोक सिंघल जी स्वेच्छा से राज किया। परिवार जैसा, अशोक सिंघल जी बहुत अमीर थे, राज परिवार था उनका, उतना अभी भी हैं उनके जो समृद्ध भतीजे व्यक्ति हैं, अभी उनके भतीजे जो हैं, अभी पिछले लगातार 20 साल से मैं देख रहा हूं कि फोर्ब्स पत्रिका में जो है लगातार अंडर 100 में रहते हैं। तो उनके सारे भतीजे यदि मिल जाए तो भारत के बड़े बड़े रईसों को दबा दे। तो उनके पास तो भाई भगवान ने उनके पास लक्ष्मी सरस्वती सारी चीज उनके पास था, वैभव भी था, लक्ष्मी भी थी और सरस्वती जी भी उनके उस पे थी। और एक सबसे बड़ी था कि माँ की आवाज कट रही है। का हृदय था। अशोक जी आज यदि जीवित होते तो ये सीन नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, जो हो रहा है प्रभु का कार्य है, होने दो। उसमें भाई भगवान जो है अपना कार्य खुद कराते हैं और भगवान समय पे सारी चीजों को ध्यान में रख के उसका प्रतिफल भी देते हैं। सही बात है। और ये क्योंकि मैंने इसलिए कोई ये न कहे, संघ की फैमिली से जुड़े व्यक्ति को भी हमने आज एक आपके सामने हम उनको अपनी बात कहने के लिए लाए। अशोक सिंघल जी बीएचपी की तरफ से, बीएचपी तो 64 में बन गया था पर बीएचपी कहीं नहीं था इसमें। अशोक सिंघल जी आए हैं तब बीएचपी इस मंदिर आंदोलन में आया है। उस अशोक सिंघल जी को भी बहुत ही पीछे, जो बड़े जो जो लोग मुक्ति आंदोलन में, उनको बहुत पीछे जगह दिया है, 11वां या 21वां ऐसा कुछ पोजिशन दिया गया है। तो नई पीढ़ी, इसलिए हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उसमें पुरानी पीढ़ी को याद करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन 14 के बाद की जो पीढ़ी है वो अपने पुरानों, जो पुराने लोग हैं अपने, उन सबको भुलाकर एक नया ही आयाम बना रही है। और जिसके बाद 14 के बाद जिसको मैं कहता हूँ एक नव हिंदू पैदा हुआ, जैसे अंबेडकर जी ने नव बौद्ध पैदा किया, उसी तरह 14 के बाद एक नव हिंदू पैदा हुआ जिसको बिल्कुल धर्म, संस्कृति, आंदोलन, व्यक्तित्व आदि का कुछ पता नहीं है। उठना है सुबह, फेसबुक पे, ट्विटर पे लोगों को गाली देना है, मीडिया के तमाशे को देखकर अपना नरेशन बनाना है, उनके लिए ये शो है कि आप देखिए कि किन लोगों ने कितना बड़ा काम किया और जिसके कारण आज हमें 22 तारीख को मंदिर मिलने जा रहा है। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बात रखी, आपके पिताजी को नमन, क्योंकि वो भगवान राम के सखा के रूप में कोर्ट में उनका बयान दर्ज होता रहा, ये बड़ी बात है। और आपने अपनी बात रखी, आप अपनी माता जी को हमारा प्रणाम जरूर कहिएगा, क्योंकि बच्चों का तो त्याग जो होता ही है, पत्नी का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, जो परिवार छोड़कर जो व्यक्ति राम के लिए लड़ते रहे। और मैं अनुरोध करूंगा चंपत राय जी आदि से, आपकी तरफ से नहीं पर अपनी तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कम जो जज थे पांडे जी, उनकी फैमिली, राम सखा है ये, उनकी फैमिली, इन कुछ लोगों को आप याद कीजिए, उनको बुलाइए, और भविष्य में जो जिन लोगों ने बड़ी योगदान दिए, ताकि ये अयोध्या की जो सांस्कृतिक लड़ाई है, ये 500 साल दुनिया में कोई लड़ाई नहीं ऐसी लड़ी गई, तो दुनिया का जो पर्यटन आप बनाना चाहते हैं आए तो देखे कि इसके लिए कौन लोग लड़े, 500 साल से अहर्निश लड़ते रहे, उनकी एक स्मारक चारों तरफ हो कि वो दिखे कि इन इस बड़ी लड़ाई के बाद जाकर ये मिला है, ये नहीं कि कोई आए और फीता काट दिया। और हम लोग कभी भविष्य में रहे तो जरूर हम पट्टी लगाने प्रयास करेंगे कि उस समय से लगाने का, राजा सुहेलदेव से लेकर और 24 तक का लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग युद्ध, एक संस्कृति को बचाने के लिए जो लड़ा गया है, उन सब चेहरों को लोग याद रखे। अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए ही भारत में पितरों की व्यवस्था है, भारत में तीर्थ क्षेत्र है ऐसे गया जैसे तीर्थ क्षेत्र, तो हम अपने पूर्वजों को ना भूलें, भूलें उनकी लड़ाई के कारण ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर भी कभी कुछ होता है तो हम आपसे बात करते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमित पांडे जी। अमित पांडे जी के जो पिताजी हैं वो राम सखा के नाम से जो है वो फेमस थे, और कोर्ट में ये बात कोर्ट ने माना, एडमिट किया था, और
कोर्ट ने उनको राम सखा की उपाधि दी थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि कुछ और उदाहरण मैंने आपको दिया कि ये जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी उन सबको भुला दिया गया है, और जिन जिन ने लड़ा उनके लिए कहा समाज इनकी व्यवस्था करे, और जिनका कोई योगदान नहीं था कोर्ट केस में जो रामलला के विरोध में खड़े थे अंसारी जैसे लोग, उन सबको निमंत्रण पर निमंत्रण दिया जा रहा है। 14 की पीढ़ी के बाद की पीढ़ी से मैं कहूंगा कि जरा देख लें कि जिला फैजाबाद के जो जिला जज कृष्ण मोहन पांडे अगर ताला खोलने का ऑर्डर नहीं देते तो आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन आज उनकी फैमिली को भुला दिया गया है। राम चंद्र दास परमहंस पुनः जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन किए, उनके शिला के को लेने के लिए पीएमओ के अधिकारी तक गए थे, वाजपेयी जी के हाथ पांव फूल गए थे, कर्फ्यू लगा था, उस शिला को कहीं जो है कोषागार में फेंका गया है, रख दिया गया है, उसको इस मंदिर में उपयोग नहीं किया गया है। उसके बाद राम सखा त्रिलोकीनाथ पांडे इनकी फैमिली को, और ये मैं बीएचपी से जुड़े लोग बता रहा हूं, मैं बाहरी लोग शंकराचार्य को तो ये नहीं याद करेंगे, वो जो बीएचपी से जुड़े लोग थे, वो जो संघ से जुड़े लोग थे उनकी बात बता रहा हूं, त्रिलोकीनाथ पांडे उनको भी भुला दिया गया है। तो और जो कार सेवक मरे हैं उनपे गोली चलाने वालों को, नेता को और ब्यूरोक्रेट को सम्मानित किया गया है, और कार सेवकों के लिए चंपत राय जी का बयान है कि समाज उनकी चिंता करे, हमें क्या लेना है। तो जरूर बुलाइए रणवीर कपूर को, जरूर बुलाइए आलिया को, जरूर बुलाइए अंसारियों को, लेकिन कम से कम जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन्हें भी तो बुलाइए, उन्हें भी तो सम्मानित कीजिए, इससे भगवान राम प्रसन्न होंगे। भगवान राम ने अपने जब अयोध्या लौटे थे तो सबके लिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, सुग्रीव के लिए महल बनाया, अंगद के लिए महल बनाया, हनुमान के लिए, विभीषण के लिए, सबके लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में महल बनाए, जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी और हर बानर भालू को उन्होंने मुक्ति प्रदान की। तो भगवान राम की आस्था को बनाए रखिए, और जिन्होंने भी लड़ाई दिया है उनका सम्मान कीजिए। वो एक गिलहरी का भी जो सम्मान करते थे, वो सबरी के बेड़ तक खाते थे, ऐसे भगवान श्री राम किसी को जो नहीं छोड़ते, उनके लिए लड़ने वालों को आप छोड़ रहे हैं। कर्म की गति बड़ी खराब है, बड़ी गहन होती है, इस बात को ध्यान में रख के ही अपना कदम उठाएं। कल को ऐसा ना हो कि आज तो आप पद पर बैठे हैं तो अहंकार में बोल रहे हैं, अगली पीढ़ी आए तो आपको भी इसी तरह बियावान में धकेल दे। स्थिति आप जानते हैं कि स्थिति बदलते देर नहीं होती। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा के 10वें एपिसोड में विधान काली भट्टाचार्य जी ने जो इसको प्रायोजित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बीच बीच में काफी सारे लोग हैं मुझे संघ से भी जुड़े हुए कि अप्रोच कर रहे हैं, और अभी तक जो 2-3 गेस्ट आए हैं वो सब उन्होंने खुद ही अप्रोच किया है, तो मैं सबको सम्मान देता हूँ, मैं तो सबको सम्मान देता हूँ। आइए अपनी बात कहिए, लेकिन संघर्ष यात्रा भी पहले ही पड़ाव में है। आपको कल से मैं संघर्ष यात्रा का भी, काफी सारे लोग जो आना चाह रहे हैं शो में, उन सबको मैंने रोका है कि अभी रुकिए, संघर्ष यात्रा के पड़ाव को मैं कोर्ट तक तो ले आऊं। 49 में भगवान रामलला के मूर्ति जब प्रकट होगी वहां तक ले आऊं, फिर पॉलिटिकल बैटल्स है, तो ये सब लंबी श्रृंखला होगी ये, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, आप इसमें बने रहेंगे और अपना सहयोग, अपना स्पॉन्सरशिप देते रहेंगे, ताकि ये श्रृंखला आपको इतिहास के एक नए डायमेंशन में पहुंचाए, जिसे सब भूल गए हैं उसे ISDNs याद करें, यही हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण है जिससे हमें उड़ीन होना है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं मैं आप सबसे रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय सियाराम।